तो मुझे बहुत ज़्यादा AFNS इंटरव्यू कॉल के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, ठीक है, और मुझे इनबॉक्स में भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस कैंडिडेट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान है, ठीक है, के मतलब रावलपिंडी में कब तक कॉल्स आ रहे हैं, पेशावर के भी बच्चे जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, और इसके अलावा अभी तक लाहौर मुल्तान के भी पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा के कब हमें कॉल दोबारा कब से स्टार्ट हो रही है। तो बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस है और कैंडिडेट्स बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रावलपिंडी की। तो रावलपिंडी में जिस तरह आप सबको पता है कि कॉल्स अभी तक आ रहे थे, ठीक है, कल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन थर्सडे का जो था ना वो थर्सडे तक कॉल्स आ रही थी। तो कॉल जो है ना अभी तक के लिए रावलपिंडी में एंड हो गई है, ठीक है, ये मैं रावलपिंडी और पेशावर दोनों के लिए ये बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर चांस है भी ना तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चांस है, और वो भी एक दो ही कैंडिडेट्स के लिए ही होगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना वो कॉल्स बंद हो गई, अगर वो लाहौर है, मुल्तान है, कराची है, तो सब में इंटरव्यू कॉल्स आना बंद हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये अब मैं किसी को भी ये कंफर्म नहीं बता सकती, जो नेक्स्ट वीक है ना आप इसमें भी आप वेट कर सकती है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि बहुत थोड़ा सा चांस है, मतलब एक दो परसेंट ही चांस होगा, ठीक है, और वो भी एक दो ही बंदों के लिए कैंडिडेट इस तरह की होती है, ठीक है। और तो अगर उनको आनी है तो आ जाएगी, वरना किसी को इसके बाद नहीं आनी, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये बात भी बता दूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना वो डिसहर्ट हो जाते हैं और फिर दोबारा अप्लाई नहीं करते। तो दोबारा अप्लाई करने से आपके चांसेस बहुत हाई होते, एक तो आपकी एक्सपीरियंस हो जाती है, ठीक है, तो इससे भी आपका बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो आप मस्ट, आपने जुलाई में फिर से वैकेंसीज आनी है इंशाल्लाह, तो आप मस्ट अप्लाई करें। सिफारिश की मैं बात करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप जो है ना आप परेशान मत हुआ करें, ये तो इस ज़िंदगी तो है ही ऐसी कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट पर सब कुछ नहीं मिलता, इंसान जो चाहता है उनका अपना सही टाइम होता है, तो उस सही टाइम पर आपको मिलना है। तो कुछ चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला ने उसमें आपकी मेहनत और हार्ड वर्क लिखा होता है, तब आपको मिलनी होती है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सारे बच्चों से, ठीक है, कि आप जो है ना आप परेशान मत हुआ करें, डिप्रेस मत हुआ करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है, आप सबको मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो अब मैं थोड़ा सिफारिश पर बात कर देती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा फेसबुक पर स्पेशली, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मैं ये सिफारिश वाली बात देखती हूँ कि कुछ लोग हैं इस तरह के कि वो ग्रुप्स में पूछ बताते रहते हैं कैंडिडेट्स को। स्पेशली मैं अपने ग्रुप की बात कर रही हूँ, पहले AFNS गाइडलाइन से मेरा ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ इस तरह के मेंबर्स आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि आप अप्लाई मत करें, मतलब कैंडिडेट्स को डीमोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है, कि आप सिफारिश अगर नहीं है, आपकी कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो आप फिर अप्लाई मत करें, कि सिर्फ ऑफिसर्स के बच्चे जो है ना वो वही सेलेक्ट होते हैं, और ये एक मतलब आपकी टाइम वेस्ट करते हैं आर्मी और ये वो। तो बिल्कुल गलत बात है, ये वही लोग हैं जो ख़ुद उनसे कुछ होता नहीं और दूसरों को डीमोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग जो है ना, मैं अपनी ग्रुप की सिर्फ बात करती हूँ, तो वो मैं ग्रुप में ना बस मैं वहाँ से मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ग्रुप इसलिए नहीं बनाया हुआ कि कोई बच्चा जो है ना वहाँ डीमोटिवेट होकर चला जाए और वो अपना होप और अपना जो एम है वो अपना जो ड्रीम है वो पूरा ना कर सके, क्योंकि मेरे ग्रुप में जो बच्चे हैं ना वो टीन एजर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह जब वो बच्चे की बातें सुनते हैं तो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इन बातों से। तो इसलिए मैं इस तरह नेगेटिव जो लोग होते हैं ना वो मैं बिल्कुल नहीं अपने ग्रुप में छोड़ते, ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो बात है ना ये बहुत बिल्कुल गलत है, ठीक है। मुझे ख़ुद भी पता है इस तरह के कैंडिडेट, इस तरह के बंदों के, कि उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी आर्मी की और आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, थीके? तो ये बहुत आप इस सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल यकीन ना करें। और इंशाल्लाह एक और बात, अभी जो है ना एयरफोर्स में भी वैकेंसीज एक दो दिन में आने वाली, 7 फरवरी से अप्लाई जो है ना वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें भी मैंने एक वीडियो में बना रही हूँ, FSC बेस है, ठीक है, FSC में अगर आपने मैट्रिक सॉरी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियर हो गई, कंप्यूटर साइंस अगर आपने पढ़ा हो ना, तो आप फिर अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो
انشاءاللہ اس پر بھی میں یہ بہت جلد ویڈیو بنانے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس اتنا ہی بتانا تھا کہ کسی کی سنی سنائی باتوں پر آپ بالکل بھی یقین نہ کریں، اگنور کریں، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح سفارش والی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس ہیں نا، وہ جوائننگ کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم لاہور سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمارا سب کچھ وہاں ہوا ہے تو کیا ہماری جوائننگ بھی لاہور میں ہی ہوگی؟ تو یہ اور اس طرح سارے سٹیز کے پوچھ رہے کہ ہماری اپنی اپنی سٹیز میں ہی جوائننگ ہوگی یا ہمیں کوئی اور اسٹیشن بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ کویسچنس ہیں میرٹ کے حوالے سے کہ سب سے زیادہ میرٹ والے کہاں پر کینڈیڈیٹس ہوں گے، پھر اس کے بعد نیچے کینڈیڈیٹ میرٹ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کہاں پر ان کی جوائننگ ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس پر میں ایک ویڈیو بہت ڈیٹیل میں بنانے والی بہت جلد انشاءاللہ۔ تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا، اور میرے دعائیں آپ سب کے ساتھ ہے، اور پلیز پریشان نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔